पलों कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अनवर को भूल नहीं पा रही हूँ। सुन चित्रा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ए, राजा आया है। हाय। हाय। हाय राजा। हाय। सॉरी उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई, सो इसके लिए बुलाया। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो, कॉफी पीते हैं। राजा आओ तुम यहाँ बैठो। अरे बैठना यार। अरे आओ गुरु, मैं बोल रहा हूँ ना। क्या बात है चिका, इस चेयर में कोई वास्तु दोष है क्या? वो जगह मेरे दोस्त राजा के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ? तो क्या लव है? बहुत अच्छा माहौल है, अगर आपकी मैडम सहमत है तो जरूर प्यार की बारिश होगी। व्हाट नॉनसेंस यार। जी फॉर गीता जी, आपको एल्फ और लव से एलर्जी है क्या? लड़कों के फिल्मी डायलॉग मारने पर पटने वाली सेंसलेस गर्ल नहीं हूँ मैं, लाइफ में क्लैरिटी और पक्का प्रैक्टिकल सोचने वाली हूँ मैं। इधर कोई लड़का सडनली तुम्हारे पास आके अगर आई लव यू बोले तो तुम क्या बोलोगी? चप्पल से मारूंगी। अगर कोई लोफर को चप्पल से मारोगी तो ओके, अगर राजा जैसा जेंटलमैन बंदा आई लव यू बोले तो? राजा क्या? हाँ। मार्केट में ब्याज का धंधा करने वाले राजा के साथ मेरी जैसी हाई फाई लड़की ने फ्रेंडशिप की, यही बहुत ज्यादा है। और उसमें भी प्यार। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्यार किया तो उसमें एथिक्स देखो, मोरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस मैच हो रहा है कि नहीं देखो, सही हो ना राजा? चिका, राजा चल। हेलो मैडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाईफाई नहीं बन जाता, स्टेटस कुछ मीठी मीठी बातें करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए। किससे पूछा तुमने स्टेटस? क्या तुम जानती हो उसका स्टेटस क्या है? बोलो क्या जानती हो तुम? चीका चल। आ रहा हूँ गुरु। गीता, ये तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उसे? वो पालने के लिए हाइब्रिड कुत्ता चाहिए, लव करने के लिए हाईफाई लड़का चाहिए। इंसान को जिंदगी बसाना है तो सिर्फ पैसा कमा के रखना है, इन सबको चीका इन सबको सही वक्त पर यूज करके छोड़ देना चाहिए। ए! मारो गुरु मारो। जब तुम्हारे स्टेटस के बारे में बोला उसी वक्त उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं चुप था। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ लड़कियों को ओरिजिनल क्या है सेकंड हैंड क्या है समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ इधर उधर घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए फ्रेंड के नाम पे बकरा चाहिए। शादी होने के बाद फॉरेन जाके सेटल होने के लिए बैंक बैलेंस रखने वाला पति चाहिए। उसने अपने राजा के स्टेटस के बारे में बात की है, उसका स्टेटस जानेगी तो शौक हो जाएगी वो। क्या बोल रहा है चिका? अपना राजा कौन है उसका बैकग्राउंड पता है क्या उसको? राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर है अपना राजा। उसका घर घर नहीं है, राजमहल है। राजा की बुआ की बेटी लवण्या की शादी फिक्स हुई थी। शादी के चार दिन पहले राजा के घर में लड़के की तरफ से पार्टी का इंतजाम हुआ था। क्या भाई, दारू वारू कुछ नहीं है क्या? अरे चुप कर यार, माँ यहाँ पर है। कुछ नहीं। हेलो, कहाँ पर हो तुम? सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे पर तुम हो कहाँ पर? घर के अंदर ही हो राजा, जल्दी आओ ना। ठीक है मैं अभी आता हूँ। लावण्या। राजा। कहाँ हो तुम? राजा मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या बात है बोलो? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या कर रही हो तुम? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ये सब गलत राजा है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। राजा लावण्या आपको कहने की मुझे जरूरत नहीं, आप कोई बात नहीं करी। मैं सब छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। लावण्या मैंने कहा ना। लावण्या राजा। हां ए पापा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ए क्या एक मिनट बोल रहे हो तुम? ए मेरी बात तो सुनिए। शांता शांता जल्दी आ रही है। देख रहे तेरे भाई के लड़के ने कैसा घटिया काम किया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत किया है, इसको तो इसी वक्त घर से मार कर निकाल देना चाहिए। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? शांत हो जाइए, पहले मामले का पता तो करो। क्या पता करना है, मेरी आंखों के सामने मेरी लड़की की साड़ी खींच रहा था, इसने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर दी। अब मेरी बेटी समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मामा
आगे पीछे सोचे बिना आप कुछ बोलिए मत। आगे पीछे सोचे बिना मैं बात नहीं करता। ऐसे घटिया लोग इस घर में है मुझे पता होता तो मैं उसे कदम नहीं रखने देता। मामा मुंह में जो भी आया बकिए मत। कौन रे, कौन बकवास कर रहा है? इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था। अरे सुनिए, आज तक इस घर की मालकिन भाभी ही है, ये बात ध्यान में रहे। वही घर की मालकिन है इसलिए इतने दिन चुप रहा। हमें यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान, कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अरे मामा आओ आओ जी आओ, तुम्हारे लड़के ने कैसी घिनौनी हरकत की है तुम ही पूछो इससे। क्या किया तूने? क्या किया तूने? भाभी तुम्हारे मारने से इसने जो गलती की है क्या वो ठीक हो जाएगी? कुछ भी। क्या आप चुप रहोगे क्या? ये क्या, ये क्या किया तूने? मैं तुम्हें अपना बेटा समझती थी ना, रिश्ता करने आए लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाल दी, क्या किया इससे? क्या आप क्यों आंसू बहा रही हो? ये मेरी होने वाली बहू है। ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलत सलूक करेगा तो क्या मैं अपनाऊंगा नहीं? एक मिनट, इस घर में कोई नीच नहीं है। सबके सामने तूने मेरा सर झुका दिया ना, जा बाहर, जा बाहर। अगर तू कभी लौट कर मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा। निकल जा यहां से। अगर तब राजा सच बोल देता तो लवण्या का जीवन नष्ट हो जाता। सारी सच्चाई अपने दिल में दबाकर वो अपने घर और अपनों को छोड़कर दूर आ गया। उसके घर में काम करने वाला मैं, बिना मेरा स्टेटस देखे ही उसने मुझसे दोस्ती की, मुझे अपने साथ रखा, ऐसा है अपना राजा। इसलिए वो जब घर छोड़कर आया मैं भी आ गया, और वो लव करने के लिए उसका स्टेटस पूछ रही है। अपने राजा का स्टेटस क्या है पूरे स्टेट को पता है। करीमला हाँ? चल उसके घर चल के उसके पूरे खानदान को सबक सिखाते हैं। तू गाड़ी रेडी कर, मैं जाके तलवार लेके आता हूं। मनो ठीक है भाई, कुछ पता चला? थिएटर आया हूँ भाई। अरे कल यहाँ थिएटर में जो झगड़ा हुआ था वो लड़का कौन है भाई? कौन है वो पता नहीं, पर वो व्हाइट जीप में आया था। व्हाइट जीप में आया ऐसा पता चला। आजू बाजू में पूछ के देख। हाँ भाई पूछता हूँ, बैठ रहे। स्वाति। राजा तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय। आइए ना प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? वो क्या है कि हमने सेठ को ब्याज पर पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कब करेगा उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपका ब्याज का बिजनेस? हाँ हमारा बिजनेस, बैंक बिजनेस। आपके बैंक का कितना इंटरेस्ट है? फायर इंटरेस्ट। फायर इंटरेस्ट? हम उनसे तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक वो मर ना जाए। हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि ब्याज भरते भरते उनकी जिंदगी खत्म हो जाए और असल जो कहते हो ही रहे, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब समझ में आया क्या? ये हमारी गेस्ट है ना, फ्रिज से इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं बोल रही, छोड़ो गुरु। अरे जाना यार। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं मंदिर आई थी। दर्शन हो गए? कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई है ना, अतिथि देवो भवा, ये लीजिए। अबे तू ये क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंडा लेके आना, फ्रिज में यही सबसे चिल्ड था। क्या हुआ, ये इन्हें पसंद नहीं क्या? छी, थू, राजा। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ब्रांड यहाँ नहीं है, लेकिन चखने में मटन चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पास। छी, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ही पी लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हेलो हेलो मैडम। वो तो नहीं पी रहे, चल अपुन ही पी लेते हैं। अंदर लेके जाएगा, चल अभी पी लेते हैं। तेरी तो लड़की के सामने तूने मुझे बेवड़ा साबित कर दिया। फ्रिज में जितनी बोतल सब अभी निकाल कर बाहर फेंक। ठीक है छोड़ो गुरु, अभी से हम फ्रिज में केवल चाय और कॉफी रखा करेंगे। अबे चल।